गाइस, ये जो भी इसने मुझे खिलाया बहुत 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 गंदा था। बहुत हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है सैटरडे और हम जा रहे हैं अभी थोड़ा सा ग्रॉसरी शॉपिंग, और टाइम अराउंड हो रहा है 4:30। और चलिए तो आपको भी लेके चलते हैं हम अपने साथ ग्रॉसरी शॉपिंग पे। और आज हम एक न्यू स्टोर पे जा रहे हैं। किसी ने हमें बताया कि वहाँ पे पास में है घर के, और किसी ने बताया कि वहाँ पे अच्छे सामान मिलते हैं। तो हमने बोला चलो थोड़ा सा ट्राई करते हैं। वहाँ भी नॉर्मली हम कहीं और से, किसी और सुपरमार्केट से लाते हैं। तो हम आ गए हैं थोड़ा शॉपिंग करने, क्योंकि आज सबको खाने का मन है मंचूरियन एंड हक्का नूडल्स। तो उसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट लेने हम आए हैं। तो क्या क्या लेते हैं चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। तो जी, आ चुके हैं हम शॉप में, और छोटा सा अच्छा सा है ये, और घर के ना ज़्यादा दूर है ना ज़्यादा पास, बट थोड़ा सा मुझे कंजस्टेड लगा। बट सारी जो भी मुझे चाहिए थी वो सब कुछ अवेलेबल था। तो और यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से ना, जैसे चेन्नई में हमको बहुत सारे जो ग्रीन्स के आटे हैं वो नहीं मिल पाते थे, मतलब मिलते थे तो थोड़ा मुश्किल से मिलता था। बट यहाँ पे मुंबई आके मुझे सबसे अच्छी लग रही है कि यहाँ पे हर कुछ अवेलेबल है, और ज्वार, बाजरा और काफ़ी मिक्स करके भी आटे यहाँ पे मिलते हैं, तो वो मुझे अच्छा लग रहा है। तो हाँ, यहाँ पे हम जो भी हमारा नॉर्मली मैं ऐसे सैटरडे या संडे जाती हूँ और 1 वीक का सामान लेके आती हूँ, जो भी ख़त्म हो जाता है, या 10 डेज़ का। तो यहाँ पे वही कुछ मसाले मेरे ख़त्म हो गए थे तो वो मैं ले रही हूँ। और यहाँ पे वही जो घर के छोटे मोटे चीज़ें होती हैं वो, और बेसिकली जैसे कि आपको ब्लॉग में 2 या 3 बार सुनने को मिलेगा ही कि सडनली इनका मन कर गया कि आज चाइनीज़ खाएंगे। तो उसके लिए घर में स्प्रिंग अनियन एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें नई थी, सोया सॉस वगैरह, तो हमने बोला चलो। और ये सत्तू, सत्तू हमें बहुत पसंद है, वीक में 1 या 2 दिन हम सत्तू बनाते ही बनाते हैं, और यहाँ पे तो बहुत अच्छे से मिल जाता है। चेन्नई में हमें थोड़ा सा मुश्किल होता था ये सब चीज़ों का। तो यहाँ पे मैंने नूडल्स भी ले लिए हैं, और चलिए थोड़े से कुछ सब्जियां भी लेते हैं, थोड़े सॉस लेने हैं, और उसके बाद हम फिर घर जाएंगे, और घर जाके हम बनाएंगे आज चाइनीज़। और आज मौसम भी बहुत अच्छा हो चुका था। एक्चुअली मुंबई में ऑलमोस्ट मानसून आ चुका है, और ये देखिए यहाँ पे सब्जियाँ, यहाँ पे आपको हर तरह की सब्जियाँ यहाँ पे मिल रही थी। तो मुझे जो भी रिक्वायरमेंट थी हमने ले ली। और अच्छी बात क्या है जो मैं बता रही थी कि और यहाँ पे मैं, यहाँ पे मानसून आ गया है, और इसके कारण बाहर निकलना थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और ये देखिए यहाँ पे ये स्माइली बॉल्स, बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, वो कहीं भी जाएं अपनी ज़रूरत की चीज़ें ढूंढ ही लेते हैं। तो बस यहाँ पे मुझे थोड़े से शैम्पू मेरे ख़त्म हो गए थे, वो सब हमने लिया, और उसके बाद बिल कराए। और यहाँ पे कुछ चटर मटर का सामान उठा रही है, और मैं उसे शायद रोक रही हूँ कि ये इट्स नॉट गुड फॉर किड्स एंड ऑल, बट उसने ले ही लिया है। और ये देखिए हम लेने आए थे क्या, और पूरी ट्रॉली भर चुकी है। तो उसके बाद अभी बिल कराते हैं और चलते हैं घर की तरफ। और आज मैं शायद आपसे शेयर करूँगी एक कोई रेसिपी। तो बस बने रहिए हमारे साथ, और जिन लोगों ने भी मेरे वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। कितना सामान,
मंचूरियन और चाउमीन, इसके लिए आए हैं हम शॉपिंग करने। इतना सारा कुछ गाइस, तो अभी हम इंग्रेडिएंट सारा लेके आए हैं क्योंकि आज खाने का प्रोग्राम है। क्या खुशी, क्योंकि आज बनने वाला है चाउमीन एंड मंचूरियन। तो उसके लिए हम कुछ वेजिटेबल्स एंड सॉसेस लेके आए हैं। तो अभी जाके हम बनाएंगे चाउमीन एंड मंचूरियन, तो आपसे शेयर करेंगे शायद। और पीछे पता नहीं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है पीछे, क्या हो रहा है, क्या क्या दिखा, मुझे भी दो, मुझे भी दो। तो ये कुछ खा रही है और अब मैं इसे अभी थोड़ा मांगती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या बनाते हैं और क्या खा सकते हैं। व्हाट इज दिस, कुछ है, चलिए मैं इसे खाती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे घर में, किचन में। गाइस, ये जो भी इसने मुझे खिलाया बहुत 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 गंदा था, बहुत ही बकवास। मन कर रहा है मैं फेंक दूँ, वेस्ट नहीं करा, वेस्ट नहीं करा, बट ये मुझे बोल रही है डोंट वेस्ट। या नाम क्या था, फ्रूटेला समथिंग। वेट कर रहे हैं हस्बैंड का, कुछ लेने गए हैं, उसके बाद हम चलते हैं। तो गाइस, मैं आ गई हूँ किचन में और ये देखिए मुझे एक चॉकलेट का टुकड़ा मिला है और ये है नूडल्स जो मैं लेके आई हूँ। तो चलिए यहाँ पे बनाते हैं हम बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल नूडल्स, जिसे बोलते हैं चाउमीन। और यहाँ पे मैंने कटिंग ऑलरेडी चॉपिंग शुरू कर दी है एंड मैंने ऑलरेडी देखा ना आपने, पानी को बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया है थोड़ा सा ऑयल और सॉल्ट डाल के। और ये देखिए मैंने सारी सब्जियाँ ऑलमोस्ट लंबी लंबी कट कर ली है। यहाँ पे स्प्रिंग अनियन है, कैप्सिकम है, प्याज है नॉर्मल वाला, एंड बीन्स है, कैबेज है, यही सब जो नॉर्मल जो डलता है ना इसमें नूडल्स और फ्राइड राइस या चाउमीन में, वही है। यहाँ पे मैंने पैन गरम किया और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल को डाल दिया है। और अब इसमें हम वो पहले वेजिटेबल्स डालेंगे ना जो देर से पकते हैं। तो जैसे कि अभी हम इसमें अनियन डालेंगे और इसके बाद हम इसमें हल्का सा, जब वो सौते हो जाएगा देन हम इसमें कैरेट एंड कैरेट डालेंगे और बीन्स डालेंगे। और सबसे लास्ट में हम इसमें अभी हमने कैबेज डाला है, कैरेट डाला है और इसे अच्छे से हमें सौते करना है। और इस तरह से जो लास्ट में वेजिटेबल डालेंगे ना जो जल्दी पक जाती हो, तो बस इस तरह से। और अगर वेजिटेबल आपके कट है ना तो फटाफट बन जाता है। और ये देखिए कि साथ ही के साथ मैं सॉस रेडी कर रही हूँ। सॉस में मैंने नॉर्मल केचप, ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस एंड सोया सॉस यही डाला है और कुछ नहीं, और यही डलता ही है। तो ये मैंने एक बाउल में ऑलरेडी मिक्स करके एक साथ सब रख लिया है। तो यहाँ पे देखिए वेजिटेबल कुक पहले वाले हो चुके हैं। अब हम इसमें कैप्सिकम एंड कैबेज, हाँ कैप्सिकम एंड कैबेज जो फटाफट गल जाते हैं, ज़्यादा क्रंची करने की ज़रूरत नहीं है, वो हम लास्ट में डालेंगे। जस्ट दो मिनट में ऑलमोस्ट डन हो जाती है इन्हें, क्योंकि इसमें ना वेजिटेबल थोड़ी सी 70% कुक है ना तभी मज़ा आता है। अगर आप बहुत वेजिटेबल बिल्कुल ही ज़्यादा ओवर कुक कर देंगे ना तो फिर मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ पे मैंने सॉस में थोड़ा सोया सॉस भी डाल दिया जो रह गया था, और ये सॉस को हम इस वेजिटेबल में डाल देंगे और साथ ही साथ हम डालेंगे पेपर एंड सॉल्ट। तो
ये देखिए ये डाल दिया है और अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। और हमारा जो नूडल्स है ना वो ऑलरेडी मैंने बॉईल करने के बाद उसे अच्छे से ठंडे पानी से धो के और ऑयल लगा के सेपरेटली रख दिया है। यहाँ पे मैंने नूडल्स मिला दिया और डाल दिया है और हमें अच्छे से इसे मिक्स कर देना है कि सारे वेजिटेबल एंड सॉस ना सारे में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो बस, और अब इसे हम गार्निश कर देंगे थोड़े से स्प्रिंग अनियन के साथ और एक बहुत ही यमी टेस्टी घर में स्ट्रीट स्टाइल नूडल्स, पक्का नूडल्स या चाउमीन आपके रेडी है। और इस मॉनसून तो ऑलमोस्ट आ चुकी है तो आप इंजॉय कीजिए। हाय गाइस, तो हमने नूडल्स बना लिया और हम प्लेटिंग कर रहे हैं। अब ये बताएंगे कि कैसा बना है, बताओ जी। बहुत टेस्टी, बहुत यम। खुशी यम, तुमने कितना लिया, हाफ के जी की 1 kg? 1 kg ऑलरेडी ले लिया खुशी ने और जिया ले रही है अब हाफ के जी। तो आप लोग मुझे दे दीजिए 500, ठीक है। तो ये अच्छा बना है गाइस और कल मैं आपको बताऊंगी मंचूरियन, क्योंकि बहुत देर हो गया तो मंचूरियन हमने स्किप कर दिया। तो हम अभी जा रहे हैं एंजॉय करने और आप लोग भी हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपको जल्द, बाय बाय। बहुत यम्मी। और अब हम आराम से कुछ देखेंगे, टीवी कुछ भी। अब पीछे सामान पड़ा है जो भी मुझे ठीक करना है।